जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का इतिहास में हम जानेंगे आज की तारीख यानी 19 फरवरी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन 1389 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की हत्या हुई थी। 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज महानतम मराठा शासक और गुरिल्ला युद्ध के जन्मदाता का जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ था। 1986 में देश में पहली बार कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण टिकट की शुरुआत आज ही के दिन हुई। आज ही के दिन 2009 में केंद्र सरकार ने उस विधेयक को समाप्त करने का निर्णय किया जिसमें 47 उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थानों का आरक्षण के दायरे से बाहर रखने की व्यवस्था की गई थी। 1993 में हेतो के पास समुद्र में 1500 यात्रियों सहित एक जहाज आज ही के दिन डूबा था। आज ही के दिन 1999 में डेनमार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर लेन वेस्टगार्ड ने वाशिंगटन में प्रकाश की गति धीमी करने में सफलता पाई थी। 1922 में बेअंत सिंह पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री का जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तरी ऑस्ट्रेलिया शहर डार्विन पर जापानी लड़ाकू विमान के हमले में 243 लोग मारे गए थे। 1878 में थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ को पेटेंट आज ही के दिन कराया था। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज के इतिहास से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी के रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।